नमस्कार, जय हिंद। और मैं दक्षिण गुजरात की एक टूर करके वापस घर आ गया हूँ 2 दिन के लिए। फिर से टूर हो जाएगी शुरू। अरे कल मृगेश मुझे बता रहे थे कि तुम इतने घूमते रहते हो, तो आज मुझे याद आया कि हम मैं तो शरीर से घूमता हूँ, आप लोगों का क्या हाल है? मन से घूमते हो कि नहीं? जरा देखे इसको, क्योंकि आज हम धीरे से एक नए एरिया में प्रवेश करने वाले हैं। तो शरीर से घूमना, मन से घूमना, दिल से घूमना, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। उसमें हम कितने बदल रहे हैं। तो एक अद्भुत बात से मैं आज का पूरा एपिसोड शुरू करने जा रहा हूँ। इमोशनल हैंडलिंग में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो ये है कि हम ऐसा पहले से मान के रखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा देखे सभी अपने अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बात बात में झगड़ा हो गया तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। मनाने की चेष्टा में कोई रोने लगा तो ऐसा रोना नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए वाला पूरा एजेंडा हमें इंसान में से यंत्र बनाता है। तो टू बी इमोशनल, टू बी सेंटिमेंटल, टू फ्लो इन इमोशन, इट्स वेरी मच ह्यूमन। इंसान है तो इमोशंस तो होगी। इमोशन में कितना बह जाना है वो हमारे हाथ में नियंत्रण हो, कौन सी इमोशन में बह जाना है उसका हमारे पास चॉइस हो। देखिए दो चीज बताइए, कितना बह जाना वो नियंत्रण, और कौन सी इमोशन में बहना चॉइस। तो मल्टीपल इमोशंस जब सरफेस पर आती है तो चूज कर सकते हैं। जैसे गुजराती माँ को तो कंटाड़ो, निराशा, जुगुप्सा, बधु एक नथी। मैंने आपको पहले भी वैरायटी ऑफ इमोशंस के सर्कल के बारे में बात की थी। जितना हम डिटेल से इमोशंस को देखेंगे तो मिक्सचर ऑफ इमोशन में से कौन सी इमोशन में बह जाना। अभी क्या है, एक बहुत बढ़िया पेटीज खा रहा था मैं, तो इमोशन क्या आती है, और दो खाऊं और दो खाऊं, इमोशन तो आती है भाई। फिर पूछना पड़ता है अपने पेट को कि क्या करे। तो बह जाना क्या है, खाए जाओ खाए जाओ, फिर जेलोसिल खाओ, क्योंकि शरीर ज्यादा हैंडल नहीं कर पाएगा तो इश्यू होंगे। पर हाँ, उसके साथ एक और रास्ता है, कम्युनिकेशन ऐसे हो जिसमें आप अपने इमोशन को बहने भी दो, राइट? तो मैं बेटी के घर ही था तो मैंने दो हाथ ऊपर करके कहा कि मैं तृप्त हूं, कौन से आशीर्वाद दूं। तो समझ में आता है सामने वाले व्यक्ति को कि इन्होंने दम से खाया ही है। ठीक है मिनल, मैं ठीक बोल रहा हूं? तो हालांकि वो क्लास नहीं थी ना, नहीं तो बताता। आज क्लास है तो अभी बता रहा हूं एग्जाम्पल के साथ। नियंत्रण है नियम, आई मीन चॉइस, पसंदगी। अभी इसमें इम्पैक्ट कहाँ है, आज हम सोशल डायमेंशन में प्रवेश करेंगे। तो जैसे भी हम इमोशन को फ्लो होने देते हैं और जैसे ही हम इमोशन को बहने देते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे पर खुद पर तो है ही, एक प्रसन्नता तृप्ति का अनुभव अगर पॉजिटिव इमोशन है, और सामने वाले पर भी है। और अगर ये सच्चा हो, हमारी नीयत से अच्छा हो, तो कुल मिला के जितने भी लोग इन्वॉल्व है उसमें, वो सभी के लिए वो तृप्तिदायक है। तो ऐसे हमें इमोशन को देखना है। पिछले एपिसोड में जो हुआ कौन चार पे प्रेजेंट करेगा, क्या हुआ, क्या बात हुई? यस अर्ज, बताओ। कोपिंग विथ इमोशंस एपिसोड नंबर 12 वेबिनार में आउटलाइन पॉइंट जो मेरे थे, पहले तो सॉन्ग, आले आ तो खरी खरे थे मैं, और आपो आप हो ही जाएगा, और
फ्रॉम वेबिनार योग्यता पात्रता और क्षमता की बात की थी जो नित्या के बहुत ही अनमोल मतलब सूत्र है। तो उसमें पहला कि इस धरती पर हर मानव की समझने की क्षमता है ही, और मेरे इमोशन का सही अभिव्यक्ति ही मेरी योग्यता होगी। दूसरी, मेरे इमोशन का वहन नहीं पर उसमें से एक्शन का ट्रिगर होना सही में इमोशनल मैनेजमेंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा एडिट कर देता हूँ इसको। तीन शब्द मैंने बताए थे, क्षमता पात्रता योग्यता। समझने के लिए सभी सक्षम है, जो जितना ध्यान देगा उतना समझेगा, मतलब वही पात्रता है। और एक बार समझ में आ गया तो उसका एक्सप्रेशन करना, वही योग्यता है। तो पहला डायमेंशन ये होगा, और दूसरा है एक्शन का ट्रिगर होना। जो इमोशन में मैं बह रहा हूँ या और कोई बह रहा है, उससे मेरे को एक्शन निकलता है कि मैं भी साथ साथ बह रहा हूँ। तो जब समझने पर फोकस होगा तो एक्शन निकलेंगे। बताता हूँ कैसे। अभी देखिए, उत्पल गुस्से हो गया, मान लीजिए अभी चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा है। तो अगर गुस्से हो गया है तो मेरे सामने अब ऑप्शन है कि इस गुस्से को मैं झेलूं, एक्शन नंबर वन, इस गुस्से को बहने दूं, जवाब दो, जवाब तीन उसका कुछ रिस्पॉन्स करूं, या उसके साथ ऐसा ही दमदार गुस्सा करूं, रिएक्शन। तो रिस्पॉन्ड करूं या रिएक्ट करूं, या फिर उसके बहने के बाद धीरे से कहूं, ओ होए होए बहुत हो गया भाई, ज्वालामुखी फट गया, अब शांत हो जा, राइट। मेरे एक मित्र है, उसके बड़े भाई ग्लैक्सो में नौकरी करते थे, अभी तो रिटायर हो गए। वो बड़े पद पर थे, घर में झगड़ा हो तो वो जोर जोर से बोलने लगते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी को कुछ नहीं कहते पर वो जोर जोर से ओम नमः शिवाय बोलने लगते। एक बार एक साधु ने मुझे कहा, जब भी गुस्से आया तो मुंह में पानी भरो। यानी पानी भरने से मुंह तो ठंडा होगा कि नहीं होगा, लेकिन कम से कम बोल तो नहीं सकते। तो ये एक्शन निकल आ रहा है। कई बार एस्केपिज्म, उस जगह को छोड़ दो। या चौथा, नज़रअंदाज करने के लिए और कुछ करना कर दो। मेरा स्टाइल सिंपल ये है। गुजराती माँ को, भाई तू शिवाजी जा। लड़ाई हो तो तुम शिवाजी, तुम जीते, हम तो पहले से ही हारे हुए हैं। क्योंकि हमें ये अकल आती है कि काहे को बेकार में एनर्जी वेस्ट करें। जब सामने वाला सुनने के मूड में नहीं है तो उसके सामने गुस्सा करना क्या मतलब है। तो चलो जाने दो। तो थैंक यू अर्च फॉर शेयरिंग, एंड नाउ आई एम ओपनिंग द प्रेजेंटेशन। पर हम थे, पिछले 5 दिन का वैकेशन आ गया तो कनेक्ट करा देता हूँ। इमोशन के जो टोटल 4 सेगमेंट है, खुद की इमोशन को समझना, सेल्फ अवेयरनेस, और उसी को मैनेज करना, सेल्फ मैनेजमेंट, एंड फिर दूसरों की इमोशन को समझना और उसको मैनेज करने में मदद करना। तो ये सोशल स्किल एंड सोशल अवेयरनेस। हमने पहले कंपोनेंट में देखा था कि हमारे अंदर कौन सी इमोशन है, उसके बारे में अगर हमें असेसमेंट हो तो इसी को ही सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो मेरे अंदर ये इमोशन आ रही है और मैं इसको हैंडल कर पा रहा हूँ, ऐसा बार बार होने से जो स्थिति बनेगी उसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन। क्योंकि कोई भी सिचुएशन में कोई ना कोई इमोशन ट्रिगर होगी, मैं एसेस करूंगा तो पकड़ में आएगा कि इसको तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। एक्सट्रीम केस में है फियर, फियर ऑफ फेलियर, पब्लिक एड्रेस करना है, जैसे कहते हैं स्टेज फियर। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन, या बड़े व्यक्ति या समाज में जिसको बड़ा कहते हैं उसके साथ पेश आना, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में जाना, नेगोशिएशन जैसे बिजनेस के अंदर, तो सामने वाला व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, ऐसी कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस तभी बना रहेगा जब आपने पहले अपना असेसमेंट किया हो। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है रिकग्निशन की। हमने पिछले एपिसोड में जो देखा था, पिछले यानी ऑल प्रीवियस एपिसोड, ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वसनीयता, एंड कॉन्शियसनेस, दैट इज विवेक, एडेप्टेबिलिटी, एडजस्ट हो जाना, ड्राइव एंड मोटिवेशन। ड्राइव एक सेंट्रल होती है और मोटिवेशन में से उसमें से निकलते वाले कुछ एक ऑप्शन। मैंने आपको ड्राइव के संदर्भ में बहुत डिटेल में बताया था, जैसे हेल्दी रहना ड्राइव हो सकती है, अच्छी खुराक खाना, व्यायाम करना, आराम करना, ये सब अनुरूप मोटिवेशन हो सकते हैं।
जिनको याद होगा मैंने जिंदगी के चार डोमेन पर्सनल प्रोफेशनल सोशल स्पिरिचुअल उसमें हर एक में तीन 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 सब एरिया यानी टोटल 12 सब एरियाज की बात की थी। इनिशिएटिव इस डायमेंशन को मैंने थोड़ा सा ही छुआ था तो आज उसको भी छू लेता हूँ। सेल्फ मैनेजमेंट में कुछ इनिशिएट करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति के बीच में कुछ मन मुटाव हुआ है, अब उस मन मुटाव को हैंडल करने के लिए क्या दूसरी बार जब मन मुटाव हो तब तक उसको पार्क करेंगे या कोई दूसरी सिचुएशन आएगी तब तक उसको देखेंगे, या फिर सामने से कोई इंक्वायरी आएगी सामने से कोई माफी या कोई क्वेश्चन तभी जवाब देंगे? तो मैं कहूंगा ना, उसके बदले इनिशिएटिव लेंगे। वो कैसे? ये भी कुसुम बहन उस दिन सरदार सरोवर में आप भोजन कर रहे थे और गलती से मेरा प्याला छलक गया और आपकी थाली बिगड़ी, उस समय आप कुछ बोली नहीं, आपके चेहरे से तो मुझे लगा कि आपके मन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उस दिन भी मांगी थी लेकिन आज फिर से। दरअसल हुआ यूँ था कि मेरा ध्यान कहीं और था और मैंने कुछ एज्यूम कर लिया कि यहाँ कोई बैठा नहीं है और मैंने बैठने की चेष्टा की और उसमें मेरा प्याला छलक गया। ये सिंपल सा मैं एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ, वेरी सिंपल। तो इनिशिएटिव लेने में अब कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन हो तो कैसे इनिशिएटिव लेते हैं? चलो मिलन ऐसा करते हैं, उस दिन पिछले सैटरडे जो झगड़ा हुआ उसके बारे में हम उस दिन अच्छी तरह बात नहीं कर पाए, आशा करता हूँ शायद मेरा गलती हो, तो मैं कोई गलती निकालने के कार्यक्रम में नहीं हूँ। अभी हम 15 मिनट साथ बैठे, मैं केवल मुझे जो हो रहा था उस दिन मैं बात करता हूँ, उसमें तुम्हें कोई आपत्ति हो तो बताना। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, ये मैं दूसरों के मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इनिशिएटिव सेल्फ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मुझे ये पकड़ में आता है कि मुझे गुस्सा कहाँ आया था। आपको लगेगा कि उस दिन नहीं मालूम पड़ता, एजिटेटिव स्टेट में इमोशनल स्टेट में अगर पता पड़ता तो थोड़ी करते, आवेश की स्थिति में कहां सच्चाई मालूम रहती है, लोग आवेश में खून तक कर देते हैं बाद में पछताते हैं। यानी कोई भी आवेश में हमारा रीजन थोड़ी देर के लिए पार्किंग हो जाता है, रीजन यानी लॉजिक रेशनल अप्रोच विवेक ये सब साइड में चला जाता है, फिर देखते हैं फिर सोचते अरे यार ये नहीं हुआ होता तो अच्छा, फिर ईगो आता है बीच में, मैं क्यों कहूँ उसका भी तो थोड़ा दोष था। ध्यान रहे इस संसार में हमारे पास समय बहुत कम है और दुनिया कुरुक्षेत्र बनाने के लिए बहुत छोटी है, हमारी खुद की खुशनसीबी इसी में है कि हम गांठों को छोड़ दें, हम किसी भी प्रकार की गांठों को मन में ना रखें ताकि मन हमारा शांत हो प्रसन्न हो। इसके अंदर सभी प्रकार की क्रिएटिविटी पॉजिटिविटी एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस एक्सलेंस ये सब झलके। वो मन क्या करेगा जो मन क्लिष्टता से भरा है जिसमें खिटपिट है? एक M.F. हुसैन करके चित्रकार हुए हैं, वो पूरी जिंदगी बिना चप्पल पहने घूमते थे, ये होते हैं ऐसे लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे, इतनी हद तक उन्होंने अपनी इमोशन को हैंडल किया होता है। वो कैसे भी चित्र बनाए केवल उनको ही समझ में आता है, दो लाइन ऊपर दो लाइन हॉरिजॉन्टल, बोले ये दो हॉरिजॉन्टल है वो समंदर है और जो ऊपर लाइन जा रहे हैं वो समंदर के ज्वार है यानी गुजराती में मोजा, और वो आसमान को छूने की चेष्टा कर रहे। अरे भाई तो सीधा सीधा समंदर बताते, नहीं नहीं ये सिम्बॉलिज्म है कि मेरा पांव तो जमीन पर है और मैं आसमान की ओर देखता हूँ, तो भाई इस चित्र में जमीन क्यों नहीं दिखाई? वो एज्यूम करनी होती है, सब कुछ थोड़ी दिखाते हैं, ये कैनवास जहाँ समाप्त होता है वहाँ जमीन शुरू होती है और कैनवास ऊपर जहाँ समाप्त होता है वहाँ आसमान शुरू होता है। दोस्तों मैं हाँक नहीं रहा हूँ, मैं दुनिया का मक्का जिसको बोलते हैं पेरिस आर्ट के लिए, उसके लूवर म्यूजियम गया हूँ और मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम न्यूयॉर्क, पूरी दुनिया का कलेक्शन,
तो ये सब देखने गया हूँ और सभी समय मुझे ऐसा लगा है कि जहां मुझे 1 महीने के लिए कैंपिंग करना चाहिए वहां मैं 1 दिन में क्या देखूंगा। तो पिछली ट्रिप में मैं जब मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम गया तो मुझे लगा कि 1 दिन में तो कुछ नहीं हुआ, तो दूसरे दिन सभी प्रोग्राम पोस्टपोन करके दूसरे दिन फिर से चला गया। तो ये सब अध्ययन के बाद बोल रहा हूं। ऐसे ऐसे चित्र जिसमें कुछ समझ में ना आए, ये लोगों को दुनिया की कोई पड़ी नहीं होती, ये भला डालते हैं। तो आपको पकड़ में आ गया होगा कि कैसे इमोशन को मैनेज करते होंगे। ये लोग टूटे फूटे जब्बे पहनते हैं, जब्बा का मल्टीपल आई मीन प्लूरल जब्बे होता है ऐसा मुझे नहीं मालूम, पर बना दिया। तो कुछ भी पहन लेते हैं, ऊटपटांग दाढ़ी रखते हैं पुरुष वालों की बात, महिलाओं को तो मुझे मिलने का मौका बहुत कम मिला है और जो मिली हो तो बहुत सुचारू है। तो मिनल तेरी बात कर रहा हूँ। तो चित्रकार लोगों को मिलना सौभाग्य से हुआ है, पर पुरुषों में मैंने ऐसे देखा गया कि कुछ भी ऐसा करते रहते उठ पटांग। और भी सभी क्रिएटिव लोगों की एक ऐसी तो रहती है खूबी कि उनको दुनिया की परवाह नहीं होती। हम यहाँ केवल इतना ही देखना चाहते हैं कि वो अपने इमोशन को हैंडल कर लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि पाब्लो पिकासो या वैन गोग जैसे बड़े बड़े चित्रकारों की उसकी जिंदगी के दरमियान कोई अप्रिसिएशन नहीं हुआ। जिसको सब वान गोग कहते हैं उसको हॉलैंड में फैन गोग कहते हैं। तो मैं जब पढ़ने गया तो मैंने फैन गोग का चित्र देखा, इतना बंगार चित्र है। उत्पल तेरा एक्शन एजेंडा, मुझे मैसेज करना है तुझे कि फैन गोग का चित्र पूछो। मुझे लगा यार इतना भंगार जिसका सेल्फ पोर्ट्रेट है वो क्या ड्राइंग करता होगा। तो फैन गोग एंड रेमब्रांट बड़ा नाम है यूरोप में। तो मुझे बिल्कुल पकड़ में आया कि उस समय भी मेरे जैसे कुछ लोग होंगे, अरे भाई आने चित्र कहवा तू उसे यार, आओ भंगार बनाए विषय, बट दे नेवर बॉदर। वो बनाता गया और फिर अच्छे बन गए चित्र, फिर बड़े आर्टिस्ट कहलाने लगे। एक बार बड़े आर्टिस्ट कह दिए ना तो बंगार चित्र के भी करोड़ों करोड़ रुपया निकलते हैं, क्योंकि बनाया किसने, फैन गोग। तो ऐसा एक क्रिएटिव आर्टिस्ट था, वो राजा के नगर में गया और राजा को प्रपोज किया कि मेरे पास ऐसा वस्त्र है बड़ा क्रिएटिव, 1 लाख रुपये का, पूर्ण पारदर्शी वस्त्र है। अब राजा की भी इज्जती हो रही थी क्योंकि वो ना खरीदे तो दरबार में भी इज्जती हो जाए। तो बोले मैं लेता हूँ। तो उस व्यक्ति ने झोले में से केवल 2 उंगलियां ऐसे उठाई और कहा कि लीजिए। राजा भी शर्मिंदा होकर के ले लिया, 1 लाख रुपया दे दिया। अब पूरे राज्य में बात फैल गई कि राजा ने 1 लाख रुपये का वस्त्र लिया। अब उसका भी तो कुछ नाम रोशन होना चाहिए ना दुनिया में कि ऐसा कोई राजा नहीं। तो उसने सूचना दे दी कि कल हाथी की अंबाड़ी पे बैठ के मैं निकलूंगा, ये वस्त्र पहन के पूरे राज्य में कहलवा दो। तो हाथी तो निकला। अब जो लोग भी देखे सब लोग कहे वाह वाह क्या वस्त्र है, क्योंकि राजा है भाई, अगर कुछ बोलते गलत तो काट देते। अभी पूर्वांश आर्या ऐसे कोई बैठे होंगे, उसमें किसी ने जोर से कहा राजा ना आगो, राजा ना आगो, क्योंकि राजा नंगा था, क्योंकि वो वस्त्र तो पारदर्शी था, वस्त्र था ही नहीं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई कोई ऐसा आर्ट बना दे फिर सब लोग वाह वाह करे चल पड़े। एक बार चल पड़े फिर अच्छे के साथ वो भी चल जाए। इसमें आपको बिजनेस का स्ट्रेटेजी समझ में आता है। यहाँ कम से कम रुगेश बिजनेस से है, हरेश भाई बिजनेस से है, जो जो लोग बिजनेस है वो इनको इमीडिएटली पकड़ पाएंगे। एकदम फालतू चीज का ऐसा बड़ा प्रोपेगेंडा करना है कि लोगों को लगे ऐसा तो भूतकाल में कभी नहीं हुआ और भविष्य में कभी होगा नहीं, और अभी नहीं गए तो चूक गए। ये फिल्म हो सकती है, कोई कॉरपोरेट मैनेजमेंट ट्रेनर का सेमिनार वेबिनार हो सकता है, या कुछ भी सेल हो सकता है, कुछ भी हो, एक बार हो जाना चाहिए। तो मुझे सूरत में सबसे बढ़िया स्टोरी, मुकेश थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्टोरी ऑफ लोचो, वो लोचो कैसे अस्तित्व में आया वो मुझे इतना मजा आया। और लोचा हमेशा आप जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि लोचा खाते खाते लोचा की स्टोरी सुनी, और वो भी घर में बना हुआ फ्रेश। और क्रिएटिविटी के एंगल से इसको देखे
उस व्यक्ति ने शर्मिंदगी महसूस नहीं की जब ऐसा कुछ बन गया, उसने बेचना शुरू कर दिया। और क्या बेचना शुरू कर दिया, आज तो वो पॉपुलर आइटम है। तो उत्पल मैं तुम्हें एक मस्त आइडिया देता हूं, भंगार बैटरी जो कहीं कर कार में ना चले ना, उसके ऊपर एक बैनर लगाओ। क्या बैनर? कि डॉक्टर कलाम साहब की कार में ये बैटरी लगी थी, प्रसादी की बैटरी है, केवल 1,00,000 रुपया। देखो तुम्हारे देवेंद्र बस स्टॉप पर से लोग आ जाएंगे लेने, क्योंकि ऐसा ही दुनिया में हो रहा है। हाँ, लेकिन जब आए तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें काफ़ी कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा जो तुम करोगे नहीं, इसलिए तुम बैटरी नहीं बेच सकते। पर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मैनिपुलेटिव काम ऐसा ही पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं। तो ऐसा लगातार बिजनेस में, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में होता ही रहता है। चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कहना, जो नहीं है वो चीज़ उसमें डाल देना, अधिमूल्यन, ज़्यादा मूल्यांकन कर देना। पर ये करने वाले शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर चुके होते। अगर वो अलग जगह पर मिले अंदर अंदर तो कन्फेस करते हैं। अब मुझे मज़ा आता है ये सब चीज़ों में। एक बार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर टॉयलेट में मैं गोसिप सुन गया। अब जो कर रहे थे उसको नहीं मालूम कि मैं अंदर आ गया हूँ। तो कंपनी ने प्रोग्राम रखा था, मेरी तो कीनोट एड्रेस था, और चेयरमैन की भी स्पीच हो गई थी और ब्रेक हुआ। तो दोनों बंदे अंदर अंदर बोल रहे हैं कि सुरेश भाई को बोलने देते तो कितना अच्छा होता, ये चेयरमैन ने पूरा मजाक किरकिरा कर दिया। अब मेरे साथ वो एचआर कोऑर्डिनेटर भी टॉयलेट में आया था, वो कुछ बोलने गया, मैंने उसका हाथ दबा दिया। मैंने कहा निकल बिल्कुल जल्दी टॉयलेट से बाहर, इनकी खानगी बात खानगी ही रहने देते, क्योंकि नहीं तो उनको बड़ा भारी पड़ेगा आगे जिंदगी। चेयरमैन के बारे में गाली देना और वो भी एचआर कोऑर्डिनेटर जान ले तो बड़ा मुश्किल है। उससे एक बार मैंने अहमदाबाद की एक आईटी कंपनी, उसके एमडी को मैंने कहा कि तुम जो भ्रम में हो, बाहर निकलना हो भ्रम में से, तो एक सजेशन बॉक्स और सब प्रिंट आउट करके उसमें डाले। और सजेशन बॉक्स में क्या डालना है, क्वेश्चन कि मैं एज ए बॉस कैसा हूँ और एज ए इंसान कैसा हूँ, उसके बारे में आप अपने फ्री एक्सप्रेशन करें, 2 लाइन और उसके नीचे थोड़ी 3-3 लाइन ऐसी पर्चियाँ सबको बांट दे, और सब लोग उसको या तो सेम फॉर्मेट में अपने प्रिंटर पर प्रिंट करे, या हिम्मत हो तो हाथ से लिखे, और ऊपर नाम लिखने की आवश्यकता नहीं। करीब 135 के आसपास का स्टाफ था, 2 व्यक्ति ने हाथ से लिखा, 133 लोगों ने प्रिंट आउट में लिखा, और कॉमन जो आया उसे वो व्यक्ति फूट फूट के रो पड़ा, बिकॉज ही वॉज ऑफिस इन यूरोप, अमेरिका, देश के 6 शहरों में। क्या सार था, एज ए बॉस तुम बढ़िया हो क्योंकि तुम सबसे बढ़िया सैलरी देते हो, पर तुम्हारा स्वभाव तो कुत्ते जैसा है, ये सैलरी अच्छा ना हो तो हम 1 सेकंड भी इस कंपनी में नहीं रहेंगे। एज ए बॉस सार बोल रहा हूँ, केवल वैरायटी तो आपको नहीं कह सकता मैं, क्या क्या वैरायटी में निकला। एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हो, तुम्हारी शादी इतने दिनों तक टिक गई है उससे पता चलता है कि शायद तुम 5% अच्छे पति होंगे और 5% अच्छे पिता भी होंगे। बाकी डाउट तो जोरदार है कि शायद ये लोग ज़्यादा सहनशाली होंगे, क्योंकि घर में तो तुम सैलरी भी नहीं देते, तो कैसे तुम्हारी शादी टिक गई। दिस वॉज शॉकिंग न्यूज़। रातों रात व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मन बन गया, अब क्या करूँ। तो मैंने दोस्तों इनके साथ 3 साल काम किया, टोटल कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना था। व्यक्ति का खुद का तो धीरे धीरे होता ही होता है, लेकिन मन में जो बना है सभी के अंदर, कोई अच्छा भी करे तो कि 2 दिन अच्छा करेगा, फिर से तो कुत्ते की तरह ही पेश आएगा। तो 3 शब्दों में कहूँ तो साइकी कल्चर एंड सिस्टम, हमारा मानस साइक, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, और ये कल्चर बना ही रहे इसके लिए बनानी पड़ती है सिस्टम। तो देखिए सेल्फ रेगुलेशन में मैंने इनिशिएटिव से लेकर के कितना करा, ये फाइनल एग्जांपल भी इनिशिएटिव का ही है कि मुझे पता तो चले कि मेरे बारे में क्या स्थिति है, मैं जब पूछूंगा तो पता चलेगा। दोस्तों मेरी स्कूल गोइंग गर्ल बेटी को मैंने पूछा
बेटा मैं ऐसा क्या करूं कि तुझे लगे कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। एनसी से तुम घर में सुबह में उठ के कुछ किताब पढ़ने लगते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैं जब स्कूल चलती हूँ उस समय तुम बरंडा में आकर के केवल एक स्माइल करो, मैं जब स्कूल चलती हूँ तुम घर में बैठे बैठे स्माइल करते हो, लेकिन जहाँ मुझे लेने ऑटो आती है या मम्मी छोड़ने आती है उस समय तुम स्माइल करो तो मुझे लगे। एंड आई वॉज शॉक कि बच्चे हमारे बारे में क्या मानते हैं कि मैं उसके जाने के समय पे उठूं नहीं। अब देखिए ऐसा क्या कैसे हो गया, मेरे घर पे कोई मेहमान आए तो मैं उसको दरवाजे तक छोड़ने जाता हूं, वो मेरी बेटी देखती है, उसको बोली तो नहीं पर मन में इंप्रेशन तो बन गई कि इंपॉर्टेंट व्यक्ति है तो घर के दरवाजे तक छोड़ने जाओ, और इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, मेहमान है, और मैं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि पापा तो मुझे छोड़ने नहीं आते। दोस्तों पूरी कथा नहीं कह रहा हूं, आई डिड दिस एक्सरसाइज विथ माई वाइफ। तो पकड़ में आता है कि हमें इनिशिएटिव कहाँ लेना है। आई आस्क हर, तुम्हें क्या कैसे लगे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? बोले अहमदाबाद में 5 बजे प्रोग्राम खत्म होता है, 6 बजे मैं गर्म भोजन रखती हूँ क्योंकि तुम कम खाते हो, दोपहर में कभी मैं केवल ग्रीन सलाद पर रहता था, तो गरम गरम भोजन तैयार रखती हूँ ऐसा इमेजिन करके कि 1 घंटे में तुम घर पहुँचोगे, तुम ना 6 ना 6:30 ना 7 8 9 10 बजे तक आते हो, पूरा भोजन ठंडा हो जाता है, बच्चों को तो मैं समझा के खिला देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए साथ, तुम्हारा कंडीशन भी है कि साथ में खाओ। तो मैंने कहा मैं कितनी बार कहूँ कि तुम खा लो। अब क्वेश्चन क्या था, मैं ऐसा क्या करूँ ताकि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशन। अब मेरे पास क्या दलील थी, मेरे पास दलील थी मुरुगेश मैं तुम्हारे पास से बहुत अच्छा सीखा, पापा जी के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर 7:45 बजे शॉप छोड़ना, आज घर में जो खुशहाली प्रसन्नता है एक महत्वपूर्ण डिसीजन है। मैं जब क्लास से बाहर निकलूं मेरे पार्टिसिपेंट्स आ जाए मेरे पास, सर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, और मेरा स्वभाव बड़ा दयालु किस्म का कि भाई ये लोग क्लास में नहीं पूछ पाए तो चलो मैं अभी जवाब देता हूँ, कोई आधा घंटा कोई 1 घंटा, कई बार 3-4 लोग लाइन में हैं, और डिटेल में पूरा एग्जाम्पल के साथ। अब इमेजिन कीजिए अहमदाबाद में पीक आवर्स के दौरान वैसे भी आप फंसते हो, तो फिर ऐसे ट्रैफिक जाम वो सब करते करते लेट घर पहुंचो, क्या मेरी दलील गलत है? ना, दलील गलत नहीं है क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, एज ए टीचर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, वो पैसों के लिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फीस तो मेरी पे हो गई, क्लास मेरा समाप्त हो गया, अब जो हो रहा है वो तो बिल्कुल फ्री हो रहा है। ऐसा सुनने के बाद मैंने क्लास में कहना शुरू किया कि हे महानुभाव, जो प्रश्न पूछना है चालू क्लास में पूछो या मैक्सिमम बीच वाले ब्रेक में पूछो। बाद में तो ये भी कह दिया कि ब्रेक में मेरे पास मत आना क्योंकि मुझे भी ब्रेक में ब्रेक लेना होता है, मैं लगातार अगर बोलता हूं तो मुझे भी तो मौन चाहिए, ये धीरे धीरे मैं समझा। और जिनको और प्रश्न पूछने हैं दे शुड टेक माई अपॉइंटमेंट, और बाद में मिलना, कोई फीस नहीं होगी, जवाब दूंगा लेकिन आज नहीं क्योंकि आई हैव अ डेट, मुझे भी तो अपॉइंटमेंट है, समय पे घर पे जाना है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है, ये केवल एग्जाम्पल है इनिशिएटिव का, पूछोगे नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा, लोग कहाँ कैसे हर्ट होते हैं। आज का होमवर्क मुझे क्या कहने की आवश्यकता नहीं है, टेक इनिशिएटिव एंड पेयर्ड कन्वर्जेशन, जोड़ी में कन्वर्जेशन करना होगा, 1-to-1 रूबरू, पानी का गिलास लेके, मोबाइल ऑफ अथवा साइलेंट मोड, नो टेलीविजन। पति पत्नियों को मैं कहूँगा कि आप गार्डन में चलने के लिए चले जाओ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, चलते हुए बहुत अच्छे विचार आते हैं, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों काम करते हैं, तो उससे बेहतर है बात करने का। मैं जब आपको आने वाले दिनों में क्रिएटिव थिंकिंग समझाने वाला हूँ तभी लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन में डिटेल में जाएंगे, तब तक अभी इतना ही सही सफिशेंट है।
तो चलते चलते शेयर करो, और बेंच हो ऐसी जगह के आसपास चलो तो बैठने का मन हो, बैठ के बात करने का, आमने सामने पालथी मार के बैठने का, हो सके रोशनी में चलो ताकि चेहरा देख सको, चीज़ों को पकड़ पाओ। और कंडीशंस अप्लाई, पति पत्नी संबंध में कंडीशंस अप्लाई, वो कंडीशन क्या है बताऊँ, उसको अनिल भाई थियरी कहते हैं, आइसक्रीम। तो या तो पहले से तय कर लो कि ये पूरे कन्वर्जेशन में कुछ अपसेट हो सकते हैं, अपसेट के बाद नो मैटर व्हाट बात करना बंद भी हो जाए, आइसक्रीम शॉप पे जाएंगे, साथ में आइसक्रीम खाएंगे और फिर वापस आएंगे और फिर नेक्स्ट एपिसोड में आगे बात को ले जाएंगे। समझ में आया? नहीं तो उस मीटिंग के बाद बड़ा 6 घंटे का या 1 दिन का मौन हो जाएगा, क्योंकि सामने वाली व्यक्ति आपके बारे में कुछ गलत फहमियाँ बना लेगी या बना लेगा। अरे हूँ तो करी करी ने मरी गई, आने कदर ज नहीं, आज ही मारो वाक काटे से, ऐसा मन में आएगा तो फिर और प्रॉब्लम। तो बेहतर है कि आप ये कंडीशन कर लो। दूसरी एक कंडीशन ये हो सकती है, नो मैटर व्हाट, हम इस कन्वर्जेशन में कहीं पर भी पहुँचे, हम कन्वर्जेशन के एंड थैंक यू से, जय हिंद से करेंगे और बात को वहीं पर पार्क करके, पार्क के अंदर गार्डन में नए सिरे से जैसे लाइफ नॉर्मल चल रही है वैसे ही चलाएंगे, देन विल गो अगेन। आई थिंक होमवर्क समझ में आ गया। जिन लोगों के साथ माता पिता, भाई बहन, भाभी, बड़े भाई, भतीजा भतीजी रहते हैं, उनको ये होमवर्क लंबा चलेगा, ये एपिसोड समाप्त होने के बाद भी चलेगा। पर देखिए, मैंने पहले भी बता चुका हूँ पहले एपिसोड में, दिस इज द स्किल विच इज परवेडिंग ऑल द स्किल्स, ये सभी स्किल्स के बेस में है, उसके चलते सभी स्किल्स में बहुत इम्पैक्ट है, इसीलिए आपको इसको ठीक करना है। तो आई थिंक इनिशिएटिव सबको समझ में आ गया। नाउ लेट्स गो टू अनदर सेगमेंट। अभी इसमें जाने से पहले मैं आपको एक एरो दिखाना चाहता हूँ, हाउ इट गोज, ऐसे एरो जाता है, सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट के बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फिर से अगेन सेल्फ अवेयरनेस में जाएंगे और फिर सोशल अवेयरनेस देखेंगे। तो सोशल स्किल्स में देखिए, जैसे वहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस था, सेल्फ अवेयरनेस में, सेल्फ मैनेजमेंट में सेल्फ कंट्रोल था, यहाँ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। तो टोटल एक शब्द में ये पांचों डायमेंशन के लिए कहा गया है इन्फ्लुएंस। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके दूसरों को ऐसे इन्फ्लुएंस करोगे कि आप उसके इमोशन को हैंडल कर सको, ताकि वो अपने डिसीजन ले सके, वो लीड कर सके और अपना जो भी काम करना चाहे, शायद आपका ऑनगोइंग इंटरवेंशन हो या ना भी हो, तो बारी बारी सब कुछ चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले मैं इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन दोनों को समझा देता हूँ। इन्फ्लुएंस क्या है और इंस्पिरेशन क्या है? यहाँ से जो लोगों ने कॉरपोरेट वेबिनार्स किए हैं, खास तौर से शिव खेरा, एंथनी रॉबिन्स, संतोष नायर, उज्जवल पाटनी, या एक ऐसे 2-3 व्यक्ति जो बड़ा चिल्ला के कहते हैं, गुजराती में कौन एटली राड़ा राड करी मुके, आज सवारे मैंने एंथनी रॉबिन्स नु इन्विटेशन हतु अने मैं 9:30 नु ऑन कर्यु, हूँ 5 मिनिट जीरवी शक्यो मांड। एंथनी रॉबिन्स अने एक मिस्टर डीन, 2 जना भेगा थईने वेबिनार करवाना हता, मारा क्षेत्रनो वेबिनार हतो कि नॉलेज इंडस्ट्री हाईएस्ट लेवल पर जई रही छे अने जो तमारी पासे नॉलेज होय तो खूब पैसा कमावा माटे तमारे शुं करवुं जोईए, अमारी पासे एक सीक्रेट फॉर्म्यूला छे अने तमने बताड़ी दईशुं 2 कलाकमां। एटले 5 मिनिट पछी मैं अमने जय हिंद कही दीधुं, कारण के एटली बधी राड़ाराड़ करी मूके, देट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस। लोग कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? अपने कपड़ों से, अपनी भाषा से, ऐसे चिल्लाने से। क्यारेक गुजराती में कहूँ ने, केटलाक लोग एवी भाषा वापरे के सामने वालों ने एम थाय यार आपन तो गुजराती आवड़ती नहीं। मैं तमने सरस सरस कविताओं गुजराती में कीधी छे, एक कविता अत्यार गुजराती में कहूँ छू अने बीजी कविता पण गुजराती में ज कहूँ छू, पण एनुं गुजराती केटलुं ऊँचू छे जोजो। हूँ तो बस फरवा आव्यो छुं, हूँ क्या एक एक काम मारू के तमारू करवा आव्यो छुं, हूँ तो बस फरवा आव्यो छुं।
आपस्पर्शी मधुर हवा ने चेहरा चमके नवा नवा, रे चहु न पाछो घेर जवा, हूँ डगे सात सुखे भरवा अही स्वप्न मही सर्वा आव्यो छु, हूँ तो बस फरवा आव्यो छु। जादू एवो जाई जड़ी के गाई शकू बे चार कड़ी, ने चाही शकू तमने सौ ने बे चार घड़ी, तो गीत प्रेमनु आ पृथ्वी ना कर्ण पटे धरवा आव्यो छु, हूँ तो बस फरवा आव्यो छु। हूँ क्या एक एक काम मारू के तमारू करवा आव्यो छु। ट्रेकिंग में हूँ आ कविता कहूँ ने तो बहु मजा पड़ी जाए। तो हवे आवाज आवा मीनिंग वाली कविता राजेंद्र शुक्ल ने कहूँ छु। पहला जे मैं कविता कीधी ए हती निरंजन भगत साहेब ने। भगत साहेबे कविता लखी पछी कशुं लखवानुं बंद कर दीधुं। लगभग 35 वर्ष सुधी एक पण कविता ना लखी, तो पण साहित्य परिषदना प्रमुख एमने बनावामां आव्या हता। कारण कि एटला मोटा गजानी कविताओ लखी हती, અને જ્યારે એમને કોઈ કહે કે કેમ નથી લખતા, તો કે કવિતા ઉગે ત્યારે લખાય, અંદર ઉગવી જોઈએ ને, નથી ઉગતી। કેટલી મોટી હિંમત છે કહેવાય કવિની કે મને હવે કવિતાઓ નથી ઉગતી એવું કહેતા। હવે જેમને આપણા દેશનો હાઈએસ્ટ એવોર્ડ મળ્યો છે, જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ, એવા રાજેન્દ્ર શાહની કવિતા, સંસારે મુજ મુગ્ધ ભ્રમણ પાંશુ મલિન વેશે। ક્યારેક મને આલિંગે છે કુસુમ કેરી ગંધ, ક્યારેક મને સાદ કરે છે કોકિલ મધુર કંઠ। આ તો સમજાય, નેણ તો ઘેલા થાય નિહાળી નિખિલ ના સૌ રંગ, મન મારું લઈ જાય ત્યાં જવું પ્રેમના સન્નિવેશે નિરુદ્દેશે, પંથ નહીં કોઈ લીધ ભરું ડગ ત્યાં જ રચું મુજ કેડી, તે જ છાયા તણે લોક પ્રસન્ન વીણા પર પૂરવી છેડી, હું જ વિલસી રહું સહુ સંગ ને હું જ રહું અવશેષે નિરુદ્દેશે। કવિતાનું શીર્ષક છે નિરુદ્દેશે। હવે તમે લોકો કવિતાના પ્રેમમાં પડો એટલે આ જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ વિનર કવિની કવિતા હું સમજાવીશ। નિરુદ્દેશે કોઈ પણ ઉદ્દેશ વગર, સંસારે આ સંસારમાં મુજ મારું મુગ્ધ ભ્રમણ, મોજથી ભમું છું રખડું છું, પાંછું મલિન વેશે, પાંછું એટલે ધૂળ, ધૂળ ભરેલા મેલા ઘેલા કપડા, અને હું આ સંસારમાં કોઈ પણ ઉદ્દેશ વગર ફરું છું। ક્યારેક મને આલિંગે છે કુસુમ કેરી ગંધ, આજુબાજુના ફૂલોની જે સુગંધ છે એ મારી ફરતે મીઠળાઈ વળે છે। ક્યારેક મને સાદ કરે છે કોકિલ મધુર કંઠ, કોયલનો મીઠો ટહુંકો ક્યાંક મને બોલાવે છે, નેણ તો ઘેલા થાય મારી આંખો। નરેન્દ્ર મોદીની કવિતાની પુસ્તકનું શીર્ષક છે આંખ આ ધન્ય છે, નેણ એટલે મારી આંખો ઘેલી થાય છે, ખુશખુશાલ થઈ જાય છે, નિખિલના સૌ રંગ, નિખિલ આકાશના સૌ રંગ, મન મારું લઈ જાય ત્યાં જવું પ્રેમના સન્નિવેશે, પ્રેમનો પછેડી ઓઢીને મારું મન જ્યાં જાય ત્યાં હું જાઉં છું। સમજાય છે, મારા આખરી બહારી કવચમાં કેવળ પ્રેમ જ પ્રેમ છે, અંદર ભલે ગમે તે ચાલતું હોય, એટલે શબ્દ કહે છે પ્રેમના સન્નિવેશે, પંથ નહીં કોઈ લીધ, કોઈ રસ્તો નક્કી નથી કર્યો, ભરું ડગ ત્યાં જ રચું મુજકેડી। આપણે આઈજી હસમુખ પટેલ સાહેબનું પુસ્તક છે એની અંદર એક ચેપ્ટર છે આપણે ચાલીએ તે જ રસ્તો, પંથ નહીં કોઈ લીધ ભરું ડગ ત્યાં જ રચું મુજકેડી, તે જ છાયા તણે લોક એટલે આ પૃથ્વી, તેજ અને છાયા, પ્રસન્ન વીણા પર પૂરવી છેડી, પ્રસન્નની વીણા મારી પ્રસન્નતાની વીણા છે એમાં હું ગીત પૂરવી છેડું ગાઉં છું, હું જ વિલસી રહું સહુ સંગ, હું જ જાણે બધાની સાથે ઓતપ્રોત છું, એક છું બધાની સાથે છું, અને આ પ્રવાસ પૂરો બી થઈ જાય હું જ રહું અવશેષે, હું જ છેલ્લે રહી જાઉં છું। આ રાજેન્દ્ર શાહની કવિતા। હવે રમેશભાઈ પારેખને બોલાવ્યા હવે અમરેલીથી, ચીર પ્રવાસીનું કામના ગીત। મિત્રો આજે લોકો વહેલા જોડાયા છે એમણે ચાલતો રહેજે એવું ગુજરાતી કવિતા અને ચલ અકેલા ચલ અકેલા એ હિન્દી કવિતા એ બે મેં સંભળાવ્યા છે। રમેશ પારેખ ચીર પ્રવાસીનું કામના ગીત। રસ્તાની બે બાજુ લસલસતું ઘાસ હોય, કેવું આમ સરસરાટ દૂધીના હલવાની જેમ ઉતરી જાય, રસ્તાની બે બાજુ લસલસતું ઘાસ હોય,
આંખો માં હવે સહેજ પહાડ, ઝાડ, બકરીનો ઝાંખો બોલાશ હોય, દેખાતા હોય પીઠ પાછળથી છેવાડા, મારા ગામમાંથી આવજોના હાથ, ને હાથ જ્યારે છેવટમાં ઝંખવાય સાવ, ત્યારે પંખીના ટહુકાઓ ભરે બાત, પંખીના ટહુકાઓ ભરે બાથ, અને બાથમાં હું હિલ્લોળા હિલ્લોળા થાઉં, બાથમાં હું હિલ્લોળા હિલ્લોળા થાઉં, અને માથે માતાના હાથ સમૂહ આકાશ હોય, રસ્તાની બે બાજુ લસલસતું ઘાસ હોય, ટ્રેકિંગમાં હોય ને તો પછી થોડું જોડી દઉં, લસણની ચટલી ને રોટલો અને છાશ હોય, રસ્તાની બે બાજુ લસલસતું ઘાસ હોય. કવિતા લાંબી છે, અહીંથી અટકું છું. તો મિત્રો, મેં તમને બીજાના મેનેજમેન્ટના સંદર્ભમાં ઇન્ફ્લુઅન્સની વાત કરતો હતો. તો ભાષાથી લોકોને આંજી દેવાય, ભાવથી લોકોને પ્રેરી શકાય, એને કહેવાય ઇન્સ્પિરેશન. ઇન્ફ્લુઅન્સમાં બહારની ચમક દમક ભભકો છે બધો, થોડીક સમય લોકો ડ્રાઈવ થાય, એમ્બ્યુલન્સ નીકળે ને, હો કરે ને, એટલે લોકો સાઈડમાં ખસી જાય, આને ઇન્ફ્લુઅન્સ કહેવાય. પણ જ્યારે કોઈકનું હૃદય ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનું છે અને અમદાવાદથી ચેન્નાઈ સુધીના જેટલા સંકળાયેલા લોકો છે એને કહેવામાં આવે, અને જે ગ્રીન કોરિડોર રચવામાં આવે, એકે એક વ્યક્તિ આ પ્રક્રિયામાં એક સેકન્ડ પણ ડિલે ના થાય એનું કામ કરે, એને ઇન્સ્પિરેશન કહેવાય. અન્ના હજારે ચાલવા નીકળે અને માર્ગ થાય, ઇન્સ્પિરેશન, પ્રેરણા. હવે ઇન્સ્પિરેશન કેવી રીતે થાય? તો આનો પહેલો કમ્પોનન્ટ છે ઇન્સ્પિરેશનલ લીડરશિપ. તો મિત્રો, જે લોકો લીડરશિપ પોઝિશનમાં છે, વિશેષ ધ્યાનથી સાંભળજો. મારા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ છે જ અહીંયા, જેમણે મારો લીડરશિપનો 5 દિવસનો રેસિડેન્શિયલ પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કર્યો છે, જેમ કે મેજબીન, પ્રીતિ, પૂજા, અર્ચ, એ લોકોને વિશેષ ખબર છે. લીડરશિપ 3 શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાય. ઓથેન્ટિક સેલ્ફ એક્સપ્રેશન વિચ ક્રિએટ્સ વેલ્યુ, ઓથેન્ટિસિટી, સેલ્ફ એક્સપ્રેશન અને વેલ્યુ ક્રિએશન. ઓથેન્ટિસિટી એટલે ઓરિજિનલ, જેન્યુઇન, તમે જેવું બોલો છો જો તેવું જ કરતા હો. એટલે મૃગેશ અને સ્ટાફને એમ કે કાલે હું 11 વાગે ઓફિસ આવીશ, અને 11:01 ઓફિસમાં ટચ થાય તો એને ઓથેન્ટિસિટી કહેવાય. એને એમ લાગે કે 11 વાગે શાર્પ નથી તો એમ કે 11:12 વચ્ચે આવીશ તો 12:02 પહેલાં ટચ થઈ જાય તો એને ઓથેન્ટિસિટી કહેવાય. વટવા GIDC એક કંપનીનું મેં મેન્ટરિંગ કન્સલ્ટેશન રાખ્યું, લીડરશિપ પોઝિશન હતી. મેં કહ્યું હું તમારી ઓફિસ જોવા આવીશ. હું જ્યારે ઓફિસ જોવા આવ્યો તો નીચેથી ઉપર જવાનું હતું એમના રૂમમાં, સીડી ચઢીને. ઓફિસની 12 ગેટ ઉપર લખ્યું હતું કીપ યોર શૂઝ આઉટ. સરસ મજાનો ઘોડો હતો, એની ઉપર 5-7 શૂઝ હતા એમના કંપનીના કર્મચારીઓના. હું જૂતા ઉતારીને ઉપર ગયો તો એ ભાઈ પોતે જૂતા પહેરીને બેઠા હતા. ત્યારે તો હું કશું બોલ્યો નહીં. પછી કે હું હોઉં ને ત્યારે બધા કામ કરે, હું ના હોઉં તો બધા લાલિયાવાડી કરે. મેં કીધું એમ જ કરાય, તમે હોવ ત્યારે તો બી તમે તો લાલિયાવાડી જ કરો. એટલે એકદમ ઝાટકો ખાઈ ગયા. મેં કીધું તમે લખ્યું છે ચૂઝ આઉટ, તો તમે શું મંગળના ગ્રહ પરથી આવ્યા છો તો તમે શૂઝ પહેરીને અંદર જાઓ? નિયમો કંપનીને લાગુ પડે, નિયમો માણસો ના લાગુ પડે. કંપનીને લાગુ પડે તો કંપનીમાં કામ કરતા તમામને લાગુ પડે. મારો SRKનો અનુભવ કહું છું, શ્રી રામકૃષ્ણ ડાયમંડ સુરત, ગોવિંદભાઈ ધોળકિયાનો હું મહેમાન હતો. બપોરનો જમવાનો સમય થયો એટલે ગોવિંદભાઈ અમને સાથે જમવા એ કેન્ટીનમાં લઈ ગયા, જ્યાં બધા જ વર્કર્સ જમતા હતા. અમે બધા સાથે જમ્યા. ગોવિંદભાઈ મને સ્પષ્ટતા કરી કે આપણે મહેમાન તરીકે આપણને ટ્રીટ કરશે, એટલે આપણને એક મોહનથાળનું ચપટું મળશે, બાકી બધું ભોજન બધાને એક જ સરખું છે. મને તો પછી એટલો રસ પડી ગયો કે મેં ગોવિંદ કાકાને કીધું, મેં કહ્યું મારે તમારું આખું કિચન પણ જોયું. અને મેં જોયું અને મને એટલું બધું સારું લાગ્યું કે અમે બલ્કમાં દૂધ લઈએ, એ દૂધને કારણે અમારી પાસે મલાઈ થાય, એમાંથી અમે ઘી બનાવીએ, બે બાજુ તગારા અને તગારાની બાજુમાં બેઠેલી બાઈઓ, તગારા ઘીના ભરેલા, છાલ્યું હોય ને જે છાલ્યું એ તગારામાં બોલે એટલે આખું છાલ્યું ઘીથી નીચેના ભાગમાં લથબથ થઈ જાય,
मशीन माथी रोटलियों बाहर निकलती जाए कन्वेयर बेल्ट ऊपर, अने आ लोको सीधू छाल्यू अने अडाड़ी दे एटले आखी घी थी तरबतर रोटली थई जाए, कि अमारू दूध अमारू घी अने आपणा भाईओ जो एमनी एचआर प्रेक्टिस, बे कर्मचारीओ काम करवा माटे आवे बन्नेना सरखा काम होय, गोविंदभाई बन्नेनो इंटरव्यू ले अने जाणी ले કે ઘરમાં કેટલા ખાનારા છે, કેટલા ભણનારા છે, કેટલા માંદા છે, એની જરૂરિયાત છે ને એ પ્રમાણે પગાર નક્કી થાય. એક જ સરખું કામ કરવાવાળાના બેયના પગાર અલગ અલગ હોય, અને કંપનીની પોલિસી કોઈએ એકબીજાના પગાર જોઈને ફરિયાદ લાવવી નહીં. એવું મેં સાંભળ્યું છે કે રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટ અંતર્ગત ગોવિંદ કાકા રોજે ટ્રસ્ટમાં બે કલાક બેસે, એમાં લોકો છૂટાછેડાવાળાએ આવે અને સામાજિક સમસ્યાવાળાએ આવે, રોજ ગોવિંદ કાકા 1 લાખ રૂપિયાનું દાન કરે. પણ કેવી રીતે? રોકડ નહીં, મેડિકલની જરૂરિયાત જેને હોય એ લોકોએ ત્યાં જવાનું, અરજી કરવાની. 25 જણાની ટીમ છે, એ જે તે ઘરે તપાસ કરી આવે, ઘરમાં ટીવી છે, મોબાઈલ છે, વાઈફાઈ છે, બધું જોઈ લે, એના આધારે નક્કી કરે કે આને કેટલી સહાય અપાય. કોઈને ખાલી હાથે ના છોડે, પણ તદરૂપ સહાયનું ધોરણ નક્કી થાય અને એ પ્રમાણે રોજની સખાવત પણ ચાલે. મિત્રો, બધી પ્રેક્ટિસીસની વાત તમને એટલા માટે કહું છું, This is all about leadership. હું એવું નથી કહી રહ્યો કે શ્રેષ્ઠ લીડર છે, પોસિબિલિટી એમનાથી પણ શ્રેષ્ઠતમ લીડરની હોઈ શકે. નારાયણ મૂર્તિ સાહેબ, મારી પાસે એક પિક્ચર હતું, પટાવાળાની પાછળ ઊભા હતા નારાયણ મૂર્તિ કેન્ટીનમાં લાઈનમાં, અને એક્ઝેક્ટ બિલકુલ સમર ટાઈમના વિસનગરમાં, જેને હું ભાઈઓ કહું છું, દશરથભાઈ, દિનેશભાઈ, ગોવિંદભાઈ, લાઈન હોય તો લાઈનમાં ઊભા રહીને જ થાળી લેવાની, કોઈ પ્રિવિલેજ નહીં. મહેમાન હોય તો પહેલેથી સૂચના આપી હોય તો મહેમાન સાથે બેસે અને પછી કોઈ પીરસી દે. તો આ રોજે રોજ આમ થાય, જીવીને બચાડવું. ગાંધીજીની ઉપર ખૂબ લખાયું, પણ કેટલી 56ની છાતી કહેવાય, માય લાઈફ ઇઝ માય મેસેજ. આ ગાંધીજીનું સ્ટેટમેન્ટ છે, મારું જિંદગી. આની ઉપર નારાયણ દેસાઈના ગ્રંથોનું ટાઇટલ પણ એ જ છે, મારું જીવન મારી વાણી. આઈ થિંક તમને ઇન્સ્પિરેશનલ લીડરશીપ સમજાણી હશે. હવે સોશિયલ સ્કિલના સંદર્ભમાં, ઇમોશન તમારી તમે મેનેજ કરતા હો તો તમારી આજુબાજુવાળા લોકો તમારાથી ઇન્સ્પાયર થાય, એટલે એરો સેલ્ફ રેગ્યુલેશન તરફથી સોશિયલ તરફ ગયો છે. હવે હું તમને ટ્રેકમાં લઈ જાઉં અને હું તમારી સામે સાપનો હેન્ડલિંગ કરીને બતાડું તો તમે મારાથી ઇન્સ્પાયર થવાના છો કે આ ભાઈએ પોતાની ફિયર ઉપર કંટ્રોલ કર્યો છે. તો પછી હું તમને એવું કહું કે એ ઉત્પલ ચાલ આ સાપનો ડેમો કર, તો શું થાય? તમને અંદર ફિયર તો આવે, પણ તમારા માટે હું એક લીડર ઇન્સ્પિરેશનલ સામે છું, એટલે તમે ડરતા ડરતા બી લઈ તો લો જ, અથવા થોડા અચકાતા મારી મદદ માંગો, કંઈ પણ કરો. આમ મેં ઘણા લોકોને હાઇટનો ફોબિયા દૂર કર્યો છે અને સાપથી ડર દૂર કર્યો છે. પણ કોર્પોરેટની અંદર તમે જે પણ કર્મચારીઓ પાસેથી કરાવવા ઈચ્છો છો, એમાં તમારે પહેલાં બેર મિનિમમ એક્ઝામ્પલ બેસાડવા તો કરવું પડે, અથવા કર્મચારીઓને એવો અહેસાસ હોવો જોઈએ કે આ કરતા હશે, કેમ કે કોઈ એક સમયમાં કરતા હોય અને પછી ન પણ કરતા હોય. મને ઘણીવાર રોક ફિલ્ડ ઉપર ઘણા કહે કે હવે સાહેબ તમે જમ્પ મારો, તો હું કહું ભાઈ એટલા બધા જમ્પ મારે છે, મારું ધ્યાન અહીંયા લંચ ટાઈમ પર છે, કારણ કે દરેક વસ્તુ ગિયર સાથે બધું કામ કરવાનું, તો કોઈક કોઈક એક્ટિવિટી હું ન પણ કરું. પણ આટલા બધા વખતથી કરતા હોય તો ઇન્સ્પિરેશનલ લીડરશીપ સેટ થઈ રહ્યું. દોસ્તો, પહેલાં કહીએ અને પછી કરીએ, એમાં જે જાદુ થાય એને ઇન્ફ્લુઅન્સ કહેવાય. કારણ કે છાય બિન ખરો ના બી થાય, જ્યારે પહેલાં કરીએ અને પછી કહીએ એ પરમેનન્ટ થઈ જાય, એને ઇન્સ્પિરેશન કહેવાય. ઇન્સ્પિરેશન લીડરશીપનું એક ડાયમેન્શન કર્યું ઓથેન્ટિસિટી, બીજું છે સેલ્ફ એક્સપ્રેશન. હસતા હસતા કહેશો કે રડતા રડતા? નરોત્તમ સક્સેરિયા, અંબુજા સિમેન્ટ, બધા કર્મચારીઓની એન્યુઅલ કોન્ફરન્સ, એમણે એક સ્ટેટમેન્ટ કર્યું, હું તમારા નિર્ણયો લઈ નહીં શકું, પણ તમારા નિર્ણયોમાં તમારી પડખે ઉભરીશ, કમ વોટ મે. ફેલ થાવ તો ફેલ, સક્સીડ થાવ તો સક્સીડ, આઈ વિલ સ્ટેન્ડ બાય યુ. આ કેટલું મહત્વપૂર્ણ સ્ટેટમેન્ટ છે. સેલ્ફ એક્સપ્રેશન, તમારી અંદર ઇમોશન છે પણ તમે કેર કરો છો એવું લાગવું જોઈએ ને. ધ્યાન રાખજો, આપણે સોશિયલ ડાયમેન્શન જોઈ રહ્યા છીએ, એમને એવું લાગે
તો એ લોકો પોતાની ઇમોશન હેન્ડલ કરશે કેવી રીતે? માની લો કે હું જ નરોત્તમ ભાઈ છું અને મેં એવું ડ્રાસ્ટિક ડિસિઝન લીધું જેનાથી કંપની હચમચી જાય, કર્મચારીનો પગાર ઓછો કરી નાખ્યો, તો જે અપસેટ આવે એની અંદર કોઈ ને કોઈ કર્મચારીઓ રેઝિસ્ટન્સ સાથે ઊભા થઈ શકશે. કારણ કે મેં પહેલેથી એવું કહ્યું કે તમે જે કરો આઈ વિલ સ્ટેન્ડ બાય યુ. ચલો તમે એજ્યુકેશન કરવા નક્કી કર્યું, આંદોલન કરવું છે, કરો આંદોલન, ચલો આઈ વિલ કમ વિથ યુ. કારણ કે કંપનીના ચેરપર્સન તરીકે મેં નિર્ણય લીધો જુદી વસ્તુ છે, અને એક માનવ તરીકે તમારી પડખે ઊભો રહ્યો એ બીજી વસ્તુ. તો સેલ્ફ એક્સપ્રેશનમાં કહેવું પડે. સુભાષચંદ્ર બોઝનો મહત્વનો દિવસ નજીક આવી રહ્યો છે, એમનું સેલ્ફ એક્સપ્રેશન જુઓ. તું મુજે ખૂન દો, મેં તુમે આઝાદી દૂંગા. આંદામાન નિકોબારના જે આ ટાપુઓ જ્યાં પહેલાં એમણે પગ મૂક્યો હતો અને ભારતનો આઝાદીનો ઝંડો ફેરવ્યો હતો, સુભાષજીની કેલિબર તો જુઓ. એમણે નોટો છાપી હતી, ભારતના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે શપથ લીધા હતા અને બર્મા આખો દેશ દિવાળિયો થઈ ગયો તેને બચાવી લીધો હતો, જેનાથી પ્રેરાઈને હું જય હિન્દ કરતો આવ્યો છું. તો હવે તમને એમ થાય કે એમાં તે શું કર્યું, તો તમને માટે આ આઘાતજનક અથવા આશ્ચર્યજનક સમાચાર હશે. સુભાષચંદ્ર બોઝ અસ્થમાના પેશન્ટ હતા, એમનું સ્વાસ્થ્ય અત્યંત કથળેલું રહેતું અને એટલે એમણે ઘડીએ ઘડીએ હવાફેર કરવા માટે જગ્યાઓ બદલતી રહેવી પડતી. પણ છતાં તમે એને હંમેશા સેનાપતિના પોશાકમાં જોયા છે. This is one of the finest example of inspirational leadership. Hitler થી બધા ડરતા હતા, સુભાષજી 56ની છાતી કાઢીને એની સામે ગયા હતા. હિટલર બી ચકરી ખાઈ ગયો હતો કે આ માણસ મારી પાસે શું માગે છે, બીજાની હિંમત નથી, અને મારી પાસે અપફ્રન્ટ કહે છે ભારતીય સૈનિકો આપી દો મને. કેટલું ગજબનાક કહેવાય. અને એક વસ્તુ થોડી વધુ ઇમોશનલ છે, પણ સુભાષજીની એમાં પોતાની ઇમોશન મેનેજમેન્ટનું અદ્ભુત એક્ઝામ્પલ છે. એમિલી બેન સુભાષના પ્રેમમાં પડ્યા. સુભાષજી હિટલર પાસે ભારતીય સેના માંગવા માટે ગયા. તમારી જાણ માટે વિશ્વયુદ્ધ વખતે ભારતીય સૈનિકો જુદી જુદી જગ્યાએ કામ કરતા, અંગ્રેજી સેનામાં પણ હતા. સુભાષજીનું લોજિક સિમ્પલ હતું, જો બધા ભારતીય સૈનિકો ભેગા હું કરી દઉં અને એની એક સેના બનાવી દઉં તો અંગ્રેજો સામે લડવાની મજા આવે. તો એના માટે ગયેલા એમિલી બેન સુભાષજીથી પ્રેરાય અને પ્રેમમાં પડ્યા, એટલે એને પ્રપોઝ માર્યું. તો સુભાષજી કે બોસ આપણે તો પરણી ચૂક્યા છીએ ભારતને પહેલેથી, એટલે આપણે લગ્ન થાય નહીં. અને બહુ સ્પષ્ટ કહ્યું કે મારા માટે ભારતની આઝાદી એ ધ્યેય છે, હું લગ્નના બંધનમાં બંધાઈ શકું એમ નથી, હું જર્મનીમાં રહી શકું એમ નથી, હું તો મારા મિશન માટે આવ્યો છું ને જતો રહીશ. તમને ખ્યાલ હશે સંતાતા સંતાતા ગયા હતા અને આખી એમનો વિશ્વ પ્રવાસ સંતાઈને જ કરવાનો હતો અને આખી સેના બનાવવાની, એટલે જાહેરમાં આવી શકું એમ નથી. એમિલીએ કીધું કે ધેન શું, તો કે હું તો સૈનિક છું, કાલે મરી જાઉં. એમિલીએ કહ્યું કે મને તમારી વિધવા થવાનું પણ પસંદ છે, પણ હું લગ્ન તો તમારી સાથે જ કરીશ. સુભાષજી સાથે અમને લગ્ન કર્યા, એમિલી સગર્ભા થયા. મને એ પળ વિચારું છું ને તો કમકમારી છૂટી જાય છે. સુભાષજીને નીકળવાનો સમય અચિંતાનો આવ્યો અને એમિલીથી છૂટા પડતી વખતે જે સંવાદો થયા, દોસ્તો કેવી હશે મોમેન્ટ, રાઈટ? પોતાની પત્નીના પેટમાં બાળક છે અને ભવિષ્યમાં કદાપી એ અમીરીને મળશે એ પણ શંકા છે. સુભાષજી પોતાને કેટલી સરસ રીતે મેનેજ કરી શક્યા હશે એ તો હજી હવે આગળ સ્ટોરીમાં આવશે. સુભાષજી નીકળી ગયા. ત્યાર પછી સુભાષજીનું શરીર ક્યાં શાંત થયું ખબર નહીં. ભારત આઝાદ થઈ ગયું. ભારત સરકારે એમિલી બોઝને વિનંતી કરી, કારણ કે ત્યાં સુધીમાં બધું પ્રગટ થઈ ચૂક્યું હતું. એમિલી બેને કહ્યું કે સુભાષે મારી આંખોમાં જે સપનું આંજ્યું છે એ ભારત અત્યારે નથી, અને હું મરતા દમ સુધી સુભાષનું આ સપન તોડવા નથી માગતી, એટલે હું ભારત નહીં આવું. મિત્રો, ભારત આઝાદ થઈ ગયો, પણ આપણે અસંખ્ય રીતે અંગ્રેજોની ગુલામીમાં આજે પણ સબળી રહ્યા છીએ. મેં તો પોલીસ ખાતા સાથે કામ કર્યું એટલે ખબર પડી, ઇન્ડિયન પિનલ કોડમાંના કેટલાય બધા કોડ અંગ્રેજોના વખતથી છે. આજે આપણા કેટલાય આઈએએસ અને આઈપીએસ અધિકારીઓ, આપણી વચ્ચે આજે એક અધિકારી છે, હું એમની માફી નહીં માગું કારણ કે મારા મિત્ર છે અને સહમત છે, એવા કેટલા વિચિત્ર કોડ છે કે અધિકારીને ઘરમાં 8 પોલીસ કોન્સ્ટેબલો નોકર તરીકે આપવામાં આવે, કોઈ એમના જૂતા સાફ કરે, કોઈ ઘરના વાસણો સાફ કરે, જેને ગન ચલાવતા આવડે છે, લાઠી ચલાવતા આવડે છે, જેનું કામ પ્રજાની સુરક્ષાનું છે એ ઘરમાં નોકરની જેમ કામ કરે.
આઠ આઠ આપવામાં આવ્યા આઈપીએસને. તો મને ખૂબ ખુશી છે, મારા જે મિત્ર આજે ભાગ લઈ રહ્યા છે એમણે કેવળ એકમાત્ર માણસને ઘરે રાખ્યો છે પોતાના આસિસ્ટન્સ માટે, કારણ કે એમણે 24 કલાક ગમે ત્યારે જવાનું થાય તો એક વ્યક્તિ ક્વિકલી એમને સપોર્ટ માટે હોવી જોઈએ. તો મૂળ વાત ઉપર આવું, અમીરીબેન ક્યારેય ના આવ્યા અને અમીરીબેનનું શરીર થોડા વર્ષ પહેલાં શાંત થઈ ગયું. એમના દીકરી અનિતા બોઝ ભારત આવે છે વારંવાર, કારણ કે અનિતાબેન નવી જનરેશનના, એમને કંઈ સુભાષી તો મળ્યા પણ નહોતા મેં હમણાં વાર્તા કીધી એ પ્રમાણે. પણ વોટ એ સ્ટ્રોંગ સ્ટેન્ડ ઓફ અમીરીબેન, તો કેટલું સ્ટ્રોંગ સ્ટેન્ડ હશે સુભાષચંદ્ર બોઝનું. એવું જ આપણે સરદાર પટેલનો કિસ્સો છે, કોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યો હતો, એમના પત્નીના અવસાનના સમાચાર મળ્યા, એમણે કોર્ટનો કેસ પૂરો કર્યો અને પછી જ ગયા. મને જેમની સાથે કામ કરવાનું સદભાગ્ય મળ્યું છે, સદવિચાર પરિવારના પ્રમુખ હરિભાઈ પંચાલ, ઓરિસ્સામાં પૂર આવેલું, પૂર રાહતમાં ત્યાં ગયા હતા, અહીંયા હરિભાઈના પત્ની ગુજરી ગયા. એમણે ત્યાંથી સંદેશામાં જવાબમાં કહી દીધું, અગ્નિ સંસ્કાર કરી દો, મારી રાહ જોશો નહીં, મારા પાછા આવવાથી મારી પત્ની પાછી નહીં આવે, પણ હું જો પાછો આવીશ તો ઘણા બધા અહીંયા મૃત્યુ પામશે. મિત્રો, મચ્છુની જ્યારે હોનારી થઈ ત્યારે હરિકાકાનો હાથ મારા હાથ પર પડ્યો છે, કારણ કે 10 દિવસ મેં મચ્છુ હોનારત વખતે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ફંડ રેઝિંગનું કામ કર્યું હતું અને એ વખતે હું ટેમ્પોમાં આગળ બેસતો અને આખો દિવસ માઇકમાં બોલતો કે આપણા ભાઈ બહેનો તકલીફમાં છે, એમના માટે આપો. કદાચ આજે શિક્ષક તરીકે જે કામ કરવાની તક મને મળી છે, સમાજ માટે કામ કરવાની જે ભાવ છે, કદાચ એના મૂળિયા એ 7મા 8મા કે 9મા ધોરણનો સમય છે એ વખતમાં પડી છે, કે એ વખતે હરિદાદાના દર્શન કરવાની તક મળી, આશીર્વાદ મળ્યા અને આવી સેવા કરવાનું મળ્યું, તો બિંદુઓ બધા મજબૂત થઈ ગયા. મલ્ટિપલ કેસીસ કહેતા કહેતા મેં આજની સમય મર્યાદા વળોટી દીધી છે, પણ મને એમ લાગ્યું કે સોશિયલ જે ડાયમેન્શન છે એની અંદર આપણું પોતાનું જે એક્ઝામ્પલ બેસાડવાનું એટલું મહત્ત્વનું છે, તો આ બધા લોકો લીડરશિપના ઉત્તમ ઉદાહરણો છે. ત્રીજો ડાયમેન્શન છે વેલ્યુ ક્રિએશન. તમે એવી રીતે એક્સપ્રેસ કરો કે સામેવાળી વ્યક્તિના જીવનમાં મૂલ્ય ક્રિએટ થાય, તો એ તમને ફોલો કરશે. થેન્ક યુ, નમસ્કાર, જય હિન્દ.